भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आते ही महाराजा हरि सिंह का कश्मीर फिर से आपके सामने होगा। ये कांग्रेस के लोग, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये पीडीपी के लोग, ये राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। जम्मू कश्मीर के छंब में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि जल्द ही पीओके भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा होने वाला है। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में इसके अलावा क्या कुछ कहा। इन्होंने आप पहाड़ियों को आरक्षण नहीं देने दिया, इन्होंने यहाँ पर मुख्य धारा के साथ यहाँ से जुड़ी हुई जातियों को जोड़ने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, बल्कि 1947 में पाकिस्तान से जो लोग, जिनकी संपत्ति वहां छीन ली गई थी, जो लोग भारत के अंदर आए थे, इनको भी उन्होंने नागरिकता नहीं देने दी। और जब मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जब इसके लिए कदम उठाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना करके उसको प्रभावी ढंग से लागू किया, तो उसका विरोध ये सभी दल करते हुए दिखाई दे रहे थे। बहन और भाइयों, 1990 के दशक कांग्रेस के पाप, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पाप की पराकाष्ठा को भी हमने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कैसे कश्मीरी पंडितों के साथ बर्बर अत्याचार हुए थे। मानवता का इतना विभत्स पाप उस समय हुआ था, उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने की बजाय उन दशक गर्दियों के साथ ये सभी दल खड़े हुए थे। केवल भारतीय जनता पार्टी उस समय उन पीड़ित कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ी थी। और मैं आज फिर आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वह करके दिखाती है, और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा सो करके दिखाया है। आज जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का बेहतरीन डेस्टिनेशन है, आज बेहतरीन कनेक्टिविटी है, आज यहां पे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन स्थापित हो रहे हैं, कहीं एम्स है, कहीं आईआईटी है, कहीं आईएम है, कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और यहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक नई धरातल के रूप में, एक नई धरती के रूप में जम्मू कश्मीर यहां के रोजगार के साथ, स्वतः रोजगार के साथ जोड़ते हुए अब तो बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ भी जम्मू कश्मीर के अंदर मिल रहा है। आप अनुमान करिए, लगभग 3.25 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध हुआ है। पहले पैसा कहां जाता था, ये तीनों परिवार चट कर जाते थे, और फिर इसीलिए तो इनके साल भर में 8 महीने इनके इंग्लैंड में व्यतीत होते थे, यूरोप में घूमते थे लोग। जम्मू कश्मीर की जनता तबाह होती थी, अभाव में ग्रसित थी, और ये लोग यहां के पैसे को लूट करके ऐसो आराम की जिंदगी यूरोप में और इंग्लैंड के अंदर व्यतीत करते थे। बहन और भाइयों, आज यहां पे फ्री में राशन का लाभ प्राप्त हो रहा है, आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध हो रही है, बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। यहां पर जो अनेक कार्यक्रम हुए हैं, ये सभी आज नए जम्मू कश्मीर की स्थिति को आप सबके सामने प्रस्तुत करती है। और इसलिए बहनों और भाइयों, जब हम जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव की दृष्टि से आज यहां पर एकत्र हुए हैं, यहां पे 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मैं आप सबसे इसी बारे में कहना चाहता हूं, याद रखना, जम्मू कश्मीर यहां पर चुनाव के माध्यम से दुनिया के अंदर जो संदेश गया है, जो लोग कभी राहुल गांधी के रूप में, कभी किसी अन्य रूप में जम्मू कश्मीर के बारे में, भारत के बारे में दुनिया के अंदर दुष्प्रचार करते थे, उसका जवाब जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव दे रहा है। भारी संख्या में मतदाताओं का मतदान के लिए उमड़ना,
चुनाव के प्रति उनके रुझान को यह दिखाता है कि उन्होंने परिवारवादी राजनीति को, विभाजनकारी राजनीति को तिलांजलि दी है। और वे आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं और लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की सजग प्रहरी के रूप में काम करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में, वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देता है। जीवन ज्योति बीमा योजना हो या जीवन सुरक्षा बीमा योजना, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण कर रहा है, कर दिया है, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री का सिलेंडर उपलब्ध करवा चुका है। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिकमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।